दोस्तों कैसे आप, मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई, आप देख रहे हैं ट्रैक इन टेक। नोकिया कमबैक करने की कोशिश कर रहा है भारत में। उन्होंने नोकिया 3, 5 और 6 लॉन्च किया, जो लो टू मिड रेंज फोन्स हैं। और अब बहुत सारे लोग बेसब्री से रुके हुए हैं नोकिया 8 और 9 के, जो फ्लैगशिप लेवल का मतलब हाई लेवल के फोन्स होने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नोकिया 8 के सब रूमर्स, स्पेसिफिकेशंस, सब डिटेल्स जो मैंने कलेक्ट किए हैं सब जगह से। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डाले हुए हैं, हमने सब कलेक्ट किए, और ये जो रूमर्स, लीक्स, स्पेसिफिकेशंस, मैं सब आपके पास लेके आऊंगा इस वीडियो में। आप देखते रहिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। नोकिया 6 जो मिड रेंज फोन है वो बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा, लेकिन नोकिया 8 के जो स्पेसिफिकेशंस आ रहे हैं, हमें पता चल रहे हैं, अगर वो सच में हो तो ये फोन भी बहुत अच्छा होने वाला है, और सब जो हाई लेवल के फोन्स को है उसको शायद वो बीट भी करेगा। नोकिया 8 जो है वो 5.3 इंच स्क्रीन, 2K क्वाड HD डिस्प्ले के साथ आने वाला है ये फोन। उतना ही नहीं, उनका जो डिजाइन होगा वो कर्व्ड, उनका जो जैसे नॉर्मल नोकिया फोन्स के डिजाइन होते हैं, आप 3, 5 और 6 देखिए, बहुत ही सिमिलर है, वैसे ही नोकिया 8 भी होगा। लेकिन नोकिया 8 में आएगा 2.5D कर्व्ड ग्लास। इसके साथ में नोकिया 8 का डिजाइन होगा एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिजाइन प्लस राउंडेड एजेस जो सभी नोकिया के फोन्स में होते हैं, और वो डिफरेंट 4 कलर वेरिएंट्स में आएगा, ब्लैक, कॉपर, सिल्वर एंड ब्लू। मतलब आपके पास बहुत सारे कलर वेरिएंट्स भी है, तो अगर आपको जो चॉइस चाहिए कलर का वो आप ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोसेसर कौन सा होगा। प्रोसेसर होगा उसमें 835 जो OnePlus 5, Honor 8 Pro और बहुत सारे अभी टॉप लेवल के जो फोन्स हैं उसमें है, तो 835 इसमें भी होगा, प्लस 4GB और 6GB रैम के ऑप्शन साथ में आएंगे, 64GB स्टोरेज होगा, प्लस माइक्रो SD एक्सपैंडेबल स्लॉट भी होगा, जिसकी वजह से आप 2TB तक इस फोन का स्टोरेज एक्सपैंड कर सकेंगे। बैटरी भी रिस्पेक्टेबल 3800 mAh होगी, जो आराम से आपको दिन भर चलेगी, प्लस क्विक चार्जिंग सपोर्ट भी होगा, इसलिए अगर आप हैवी यूजर्स भी हैं और शाम तक अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाएगी तो आप क्विक चार्ज कर सकेंगे नोकिया 8 के साथ। नोकिया 8 का कैमरा भी बहुत अच्छा होने की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जैसे अभी फ्लैगशिप फोन्स के होते हैं वैसे ड्यूएल रेयर कैमरा आएगा, प्लस कार्ल ज़ीस ऑप्टिक्स के साथ आएगा। कार्ल ज़ीस जो है इसके ऑप्टिक्स बहुत अच्छे होते हैं, उसके जो लेंस या ग्लासेस होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो नोकिया 8 उसके साथ आएगा, प्लस ड्यूएल LED होगा, फ्रंट जो होगा वो 8MP मेगापिक्सल कैमरा, फ्रंट शूटर सेल्फी कैमरा होगा इसका। बाकी के ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है, फ्रंट जो बटन होता है उसके ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होगा इसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, IP68 सर्टिफिकेशन के साथ ये कैमरा होगा, इसका मतलब वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट होगा ये जो फोन है वो। फाइनली लॉन्च कब होगा और प्राइस क्या है। लॉन्च अभी तक नोकिया ने अनाउंस नहीं किया है, उन्होंने प्रेस को कुछ डिटेल्स नहीं दिए हुए हैं, मीडिया में उनके इन्विटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन 16 अगस्त को ये लॉन्च होने की आशंका है, रूमर्स हैं। और इसका प्राइस जो है, मुझे लगता है नोकिया ने थोड़ा कम रखना चाहिए था, लेकिन 42,000 to 45,000, $700 के करीब होगा, इसका मतलब 40,000 to 45,000 तक इसकी प्राइस होगी। मेरे हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा है, 35,000 तक ठीक था, लेकिन बहुत सारे लोगों को नोकिया ब्रांड अच्छा लगता है, और नोकिया ब्रांड के लिए 4,000 to 5,000 ज़्यादा देना बहुत सारे लोग शायद दे देंगे, हमें पता नहीं है। आप बताइए आपको क्या लगता है, ये सब स्पेसिफिकेशंस, ये सब रूमर्स देख के नोकिया 8 के, नोकिया 9 के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। ये थे सब स्पेसिफिकेशंस और रूमर्स नोकिया 8 के। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगले वक्त तक के लिए